बांग्लादेश का सूपड़ा साफ करने के लिए कप्तान रोहित ने तैयार किए अपने 11 धुरंधर। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को चित करने के लिए रोहित ने मैदान में उतारा अपना ब्रह्मास्त्र। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 से कप्तान रोहित ने काटा इस खिलाड़ी का पत्ता। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। कानपुर में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेला जाएगा। भारत दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ 1-0 से आगे है। भारत ने चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 280 रनों से रौंदा था। भारत अब कानपुर में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच भी जीतकर बांग्लादेश का दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ करना चाहेगा। कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया 3 स्पिनरों के साथ उतर सकती है। आइए एक नजर डालते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में भारत किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा। ये होंगे ओपनर्स। बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया को एक आक्रामक शुरुआत देते हैं। ऐसा होगा मिडिल ऑर्डर। बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नंबर 3 पर शुभमन गिल को उतारा जाएगा। नंबर 4 पर विराट कोहली आएंगे। नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका मिलेगा। ऋषभ पंत विकेट कीपर का रोल भी निभाएंगे। ये होंगे नंबर 6 पर। बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नंबर 6 पर केएल राहुल को बल्लेबाजी की जिम्मेदारी मिल जाएगी। केएल राहुल स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। ये होंगे ऑलराउंडर। बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, जो गेंद के साथ साथ बल्ले से भी टीम इंडिया को मजबूती देते हैं। ये होंगे स्पिनर। कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन घातक स्पिन गेंदबाजी में भी माहिर हैं। ये होंगे तेज गेंदबाज। कानपुर टेस्ट में 3 स्पिनर खेलने की सूरत में तेज गेंदबाज आकाशदीप का प्लेइंग 11 से पत्ता कट सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज बतौर तेज गेंदबाज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। आपको बता दें कि भारत कानपुर में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच भी जीतकर बांग्लादेश का दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ करना चाहेगा। भारत अगर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज को जीतने में कामयाब रहता है तो उसके नाम वहां रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। दरअसल भारत पूरी दुनिया में ये बड़ा मुकाम हासिल करने वाला पहला देश बन जाएगा। दरअसल भारतीय टीम 12 साल से अपने घर में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। भारतीय टीम ने नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हारने के बाद से अपने घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं कमाई है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ। हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।